पुलिस अपराध पर काबू पाने के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत सामने आ ही जाती है। झारखंड का कोई भी जिला अपराधियों से महफूज नहीं दिख रहा। झारखंड के जमशेदपुर में इन दिनों अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी शहर में हावी हैं। जमशेदपुर में लूट, डकैती, चोरी और हत्याओं का सिलसिला जारी है। ये तीन तस्वीरें जमशेदपुर की हैं, जहां एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, तो दूसरी तस्वीर डकैती की है और तीसरी तस्वीर में अपराधियों ने पिता पुत्र को गोली मार दी। ये तीनों तस्वीरें दिखाती हैं कि जमशेदपुर में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं। जमशेदपुर में चोरों का आतंक, कल्याण विहार कॉलोनी में चोरी, 2 लाख से ज्यादा की चोरी को दिया अंजाम। चोरी का पहला मामला है जमशेदपुर के मानगो थाना इलाके का, जहां कल्याण विहार कॉलोनी में एक घर से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने प्रवीण झा के मकान में 2 लाख से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने 30,000 रुपए नकद और सोने के जेवरात और बर्तनों की चोरी कर ली। पीड़ित ने मानगो थाने में मामला दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ गोविंदपुर थाना इलाके में डकैतों ने एक व्यवसायी के घर को निशाना बनाया और लाखों की डकैती को अंजाम दिया। हमारे घर में कल रात को चोरी की घटना हुई है और एक व्यक्ति हमने देखा, वो चोरी की घटना जब हो गई तो उसका आहट से मेरी नींद खुली और मैंने उसको पकड़ने का प्रयास भी किया लेकिन नहीं पकड़ पाया। संख्या में वो एक ही, मैंने एक ही को देखा, एक चोर था। ज्वेलरी गया है, कुछ घड़ियाँ थी वो गई, कुछ डॉलर्स थे, 9-10 डॉलर है वो गया है और 30,000 रुपये कैश नुकसान। व्यवसायी के घर डकैती, लाखों के जेवरा, नगदी और कीमती सामान ले गए। घर में मौजूद नहीं था व्यवसायी अनूप तिवारी। चोरी के बाद जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना इलाके में एक डकैती का भी मामला सामने आया है। इलाके के धोड़ा बाधा साई कॉलोनी में व्यवसायी अनूप तिवारी के घर डकैतों ने हमला बोल दिया। अपराधी हथियार से लैस थे और घर में घुसकर हथियार के बल पर ही व्यवसायी के पिता से मारपीट भी की। डकैत घर में रखे सोने के जेवरात, नकदी और कीमती सामान को लेकर फरार हो गए। साथ ही एक लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण कागजातों को भी डकैत अपने साथ ले गए। घर जो है ये बहनोई का मेरा घर है, उनका नाम अनुपम कुमार तिवारी है। इस जगह का जो लोकेशन बोलते हैं घोड़ा बांधा साई नगर बोलते हैं इसको, साई मंदिर बगल में है। उनके घर पे चोरी हुआ है, आज लगभग लाखों का चोरी हो चुका है। उनको सबसे ज़्यादा बिजनेस में घाटा लगा है। उनका सारा डाटा, पेन ड्राइव, भारत सरकार का बिजनेस करते थे वो सारा चीज़ लेके गया है वो लोग। ट्रंक में पुराना सरकी जमाना का सोना हुआ करता था, वो सारा सोना सरकी लेके गया है लोग। वहीं सरायकेला थाना इलाके में पिता पुत्र को अपराधियों ने गोली मार दी और वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पिता पुत्र को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, दोनों की हालत बेहद नाजुक। जमीन विवाद में गोली मारने की आशंका, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। मामला जमशेदपुर से सटे सरायकेला थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का है, जहां अपनी बेटी के घर जाने के लिए निकले पिता पुत्र को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से पिता सोम मांझी और बेटे राजेश मांझी घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी है। पिता को 2 गोली जबकि बेटे को 3 गोली लगी है। तो गांव वाला का, गांव का लोग, गांव का क्यों मारा? वो जमीन जगह के लिए थोड़ा झगड़ा किया था बहुत दिन पहले, वो तो छोड़ दिया हमको। किस लिए मारा? वो क्या बोलेगा, बम्बा था उसको, सामान उनको नहीं देखा। कितना लोग को गोली मारा है? कितना लोग को गोली मारा है? कितना आदमी था? 2 आदमी। इसको किसको लगा है? और उसको भी लगा है? क्या नाम है? मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जख्मी के बताया अनुसार
जमीन विवाद का मामला है, उसमें जमीन विवाद में ये लोग अपने लड़की के घर गया था, वहाँ से लौट रहा था, रास्ते में गोली लगा दो है, बाप और बेटा। कितना गोली लगा है? एक को दो गोली लगा है, एक को तीन। कहाँ की घटना है ये? रघुनाथपुर से लौट रहा था। जमशेदपुर में घटी इन तीनों वारदातों को जल्द से जल्द खुलासा करना पुलिस के लिए नाक का सवाल है। देखना होगा कि लोगों का कानून व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस कब तक मामले का खुलासा कर पाती है। गुना के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।